राहुल अखिलेश लालू जी एकदम ठंड आ गई बिल्कुल। कल परसों तक तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या करा जाए, कल से गर्म कपड़े निकाल के पहनना ही पड़ेंगे, स्वेटर वगैरह। मोदी जी मैंने तो कल ही सफारी सूट निकाल के पहन लिया, इससे थोड़ी बहुत ठंड रुकी हुई है। वैसे भी अपने गाँव में ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। राहुल भैया तुमने तो सफारी सूट निकाल के पहन लिया, मैं तो कल को स्वेटर निकाल के पहनूंगा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। अरे अमित शाह जी आप तो साइड के बटन खोले फिर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही है? भाई अखिलेश हमें तो इतनी आसानी से ठंड लगती नहीं है, पता नहीं आप लोगों को अभी से ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसीलिए देखो मैं तो साइड के बटन खोले फिर रहा हूँ। वैसे मोदी जी मुझे लग रहा है आपको सबसे ज्यादा ठंड लगी हुई है, क्योंकि आप दोनों हाथों को बांधे हुए बैठे पड़े हो, क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? मोदी जी इस बार अपने गाँव में ठंड की शुरुआत को जल्दी हो गई, पिछले साल तो दिसंबर के लास्ट में शुरुआत हुई थी, अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है, अभी से इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी। मेरी तो पिछले साल स्वेटर फट गई थी, शहर जाके एक स्वेटर खरीद के लाना पड़ेगी इस ठंड में। और वैसे जी कैसे बैठे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? लालू जी आप तो बात ही मत करो, आप तो जूते पहने हुए बैठे हो, आपके पास स्वेटर नहीं है तो क्या हुआ, जूते तो है ही, जूतों से भी काफी ठंड रुकती है, अब हमें तो शहर जाके जूते खरीद के लाना पड़ेंगे, स्वेटर तो है हमारे पास, कल को स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे, क्यों मोदी जी? वैसी जी समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब लोगों को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है या मुझे ही इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? मोदी जी आप भी बेबालतू की बात करते हो, जब ठंड आ गई, ठंड की शुरुआत हो गई तो ठंड तो लगेगी, हमें भी तो ठंड लग रही है, आपको अकेले ही ठंड थोड़ी लग रही है। मोदी जी एक काम करो, थोड़ी सी लकड़ी मंगा लो और यही में लकड़ी में आग लगा लो, उसी से तापते रहेंगे, ठंड भाग जाएगी। लालू जी ये आपने बिल्कुल सही बात बताई, ठंड आ ही गई, लकड़ी का इंतजाम करना ही पड़ेगा तापने के लिए। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो लालू जी साफ साफ बता देता हूँ, इस बार मेरे खेत में सरसों की पैदावार बहुत हुई है, और सरसों आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया सरसों है, तेल बहुत निकलेगा इसमें। मैं मंडी में आपकी आड़त पे लाया हूँ, अपनी सरसों को अच्छे से अच्छे रेट में बिकवा दो। अखिलेश आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो अपनी सरसों को तुम मंडी में मेरी आड़त पे लाए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे रेट में बिकवाऊंगा मैं आपकी सरसों को, खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आए लेने के लिए। बोली की शुरुआत करता हूँ मैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अरे लालू जी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सरसों की? ये अखिलेश की सरसों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है, इसमें तेल तो ज्यादा निकलेगा नहीं। भाई 3,000 से शुरुआत करो, नहीं तो मैं इस बोली से हट जाता हूँ। हट जाओ योगी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोली तो 5,000 से ही शुरुआत होगी। 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ। बस योगी जी रह गए देखते हुए, देखो 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केजरीवाल ने पहली बोली लगा दी, और आगे कोई 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों की ढेरी को मैं लेता हूँ। ओहो वैसी जी छा गए बिल्कुल छा गए, और कोई आगे 5,500 रुपए वैसी जी। लालू जी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सरसों मेरी हुई अखिलेश की। क्या बात है, समुद्र जब तक शांत रहता है, लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है। एकदम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली। ये सरसों तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए, 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात जब जित पे आ गई है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, 15,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मेरी हुई लालू जी। ऐसे कैसे हुई? 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ना राहुल जी, देखते हैं ये सरसों किसकी होती है। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल, 50,000 रुपए प्रति क्विंटल, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल, 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे राहुल बोलो, कैसे फुस हो गए, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है ये 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की ढेरी मोदी जी की हो गई। 1,00,000 रुपए एक, 1,00,000 रुपए दो, 1,00,000 रुपए तीन, मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का ज्वार भाटा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश कैसे पड़े हो अखिलेश, ये कौन एक्सीडेंट करके चला गया तुम्हारा, और रास्ते में कैसे पड़े हो, अभी तक तुम्हें कोई उठा के नहीं ले गया? अरे क्या बताऊं मोदी जी, एक आदमी मेरा एक्सीडेंट कर गया, बाइक से एक्सीडेंट कर गया, फिर इधर रोड से एक डॉक्टर गुजरा वो पट्टी कर गया, लेकिन कोई उठा कर नहीं ले जा रहा है मुझे, कम से कम उठा कर तो ले जाए, मुझे अस्पताल पहुँचा दे, यहाँ पे पट्टी तो हो गई मेरी लेकिन ठीक थोड़ी हो जाऊंगा, यहाँ पर मुझे अस्पताल पहुँचा दो, मोदी जी तुम ही पहुँचा दो। अरे योगी जी भी आ गए, योगी जी तुम ही मुझे पहुँचा दो, तुम्हारे पास
मोटरसाइकिल है उसी से पहुंचा दो। अरे अखिलेश मेरा टायर थोड़ा कमजोर है, मैं अकेले के अलावा किसी दूसरे को नहीं बैठाता हूँ, दूसरे को बैठाते ही पंचर हो जाता है, इसीलिए मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बैठा पाऊंगा। अरे मोदी जी तुम ही मुझे साइकिल पे बैठा के अस्पताल छोड़ दो अस्पताल, अरे भगवान आपका भला करेगा। देखो भाई अखिलेश बात ऐसी है, मेरी तबीयत थोड़ी अनबन चल रही है, मैं साइकिल खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद पैदल चल रहा हूँ, देख ही रहे हो तुम, तो इसीलिए मैं तुम्हें अस्पताल नहीं पहुँचा सकता। अगला कोई बंदा है उससे हेल्प मांग लेना, योगी जी का टायर कमजोर है वो तुम्हें नहीं बैठा सकते। और मेरी बात मानो, एक बंदा तुम्हें एक्सीडेंट करके चला गया और एक डॉक्टर तुम्हें पट्टी यहीं पर बांध गया, तो तुम यहीं पड़े पड़े ठीक हो जाओगे, तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा, और वो डॉक्टर भी पट्टी ऐसे थोड़ी बांध गया, मैं यहाँ पर पड़ा था तो कुछ लोग पैसे डाल गए थे, डॉक्टर ने वो ही पैसे देख कर तो मुझे पट्टी बांधी, समझे, नीचे पैसे पड़े थे पट्टी बांध गया और वो पैसे उठा कर ले गया। और योगी जी ये अपनी मोटरसाइकिल साइड से चला लो, कहीं दोबारा मेरे पैरों पे मत चढ़ा देना, एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट मत कर देना कहीं, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे अखिलेश ऊपर वाले पे विश्वास रखो, ऊपर वाला ठीक करेगा तुम्हें। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देख राहुल चने को सस्ता मत बेचना, बहुत बढ़िया चना पैदा हुआ है अपने खेत में, इसीलिए मैं मंडी में खुद आई हूँ, क्योंकि तू जो भी फसल होती है उसे सस्ते भाव में मंडी में बेच देता है। आज मैं अपने सामने बोली लगवाऊंगी अपने चने की, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली शुरू कर राहुल तू इस चने की। अरे सोनिया जी कैसी बात कर रही हो, तुम तो ये समझ रही हो कि खेत में चना नहीं सोना पैदा हो गया, इतने महंगे भाव से अपने चने की बोली लगवाओगी, इस बोली से मैं तो पीछे हटता हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा इस चने को। अरे जाओ लालू जी, तुम्हें नहीं खरीदना है तो मत खरीदो मेरे चने को, जब मम्मी जी ने कह दिया कि 10,000 रुपए से बोली की शुरुआत होगी तो 10,000 रुपए से होगी, चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो। देखो मोदी जी योगी जी अखिलेश बहुत से खरीदार हैं, ये खरीदेंगे हमारे चने को, चलो 10,000 रुपए से बोली स्टार्ट करता हूँ। 10,500 में मैं खरीदता हूँ तुम्हारा चना। अरे योगी जी ऐसे कैसे खरीदते हो तुम, हम कोई झक मारने के लिए थोड़ी आए, 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ राहुल का चना। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल से मैं खरीदता हूँ। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ जी इस चने को। 16,000 रुपए प्रति क्विंटल। 17,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। 22,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिख दो इस चने को। अरे ऐसे कैसे लिख दो, 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त चने की बोली देखने को मिल रही है योगी जी और अखिलेश के बीच, लेकिन मोदी जी अभी खामोश हैं। योगी जी की लास्ट बोली 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ तुम्हारा चना राहुल। भाई अब तो मैं चने की बोली से पीछे हाथ करता हूँ, अब मैं नहीं खरीदूंगा इतना महंगा चना। योगी जी अब लगाओ चने की बोली, मोदी जी के सामने देखते हैं कौन खरीदता है ये चना, अब तो देखेंगे हम। अरे अखिलेश हम तुम्हारे तरह पीछे थोड़ी हटने वाले, 55,000 रुपए प्रति क्विंटल। 70,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे मोदी जी एकदम इतनी लंबी बोली लगा रहे हो, कम से कम 55 के बाद 60 बोल देते, तुम तो 70 पे आ गए। चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राहुल ये चने की डेयरी मेरे नाम में लिख दो। अरे भैया पीछे हटने में ही भलाई है, मोदी जी आप ही खरीद लो ये चने की डेयरी, मैं नहीं खरीदूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।